चौधरी सुरेंद्र सिंह, 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 चौधरी सिंह, चौधरी सुरेंद्र 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 सिंह, अमर रहे। परली साइड के ले जाओ, सारे चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। जिस तरह से आज इतने साल हो गए हैं सुरेंद्र जी को गए हुए, 17-18 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी जो जस्से मस नहीं हुए हैं, सारे लोग वहाँ के जूं के त्यों खड़े हैं, तो भैया मेरा तो आप सबके आगे नतमस्तक होकर सिर झुक जाता है, सच्चाई है। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। हाँ जनाब, जीवन के अंदर जो है सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत कुछ सोचा था, यहाँ गोलागढ़ से निकल के आगे निकले, सारा कुछ बहुत कुछ उन्होंने करा, चौधरी बंसीलाल जी का जो है सारथी के रूप में अपने पिता का साथ दिया, मेरे ख्याल में ऐसा पुत्र जो है भगवान जिसको भी देता है तो वो बहुत ही कर्मों वाला होता है, सच्चाई है। और आप लोगों के साथ जो उनका दिली बहनी लगाव था वो तो सारे मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो, हर एक के घर के अंदर, हर एक के दिलों के अंदर जो हैं चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी बसते हैं। आज जो है उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं, जो संघर्ष उन्होंने करा था और जो संघर्ष करते करते बीच में चले गए, वो संघर्ष को हमने आगे लेकर जाना। आप देख रहे हो आज के दिन क्या हो रहा है हरियाणा में, पूरा सारी जगह हालात आप देख रहे हो। हाँ, और लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि कैसे पीछे मेरी सारे पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो आज अखबार वाले किसी ने मेरे से पूछा, कहते जी ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने कहा भैया ये मेरे पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये सब मेरे से डरते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि डरे ना तो इतना बुरी तरह से क्यों पीछे पड़ेंगे। तो ये जो है आप लोगों को, अब मेरा जो मेरा है ये घर और ये है मेरा गढ़, इस गढ़ को अगर आप लोगों ने मजबूत रखा और बिल्कुल संकल्प कर लिया कि ये गढ़ को मजबूत रखना है और जो हमने किया है उससे आगे और 10 कदम बढ़ के हमने आगे चलना है, हमने भी और नौजवानों बच्चों को भी आगे और जोड़कर चलना है, तभी बात बनेगी। क्योंकि मेरी लड़ाई जो है
मेरी लड़ाई आप लोगों के लिए, आप समझ रहे हो? समझ रहे। मैं अगर ये कह दूं कि मैं इसके नीचे लग लूं कि भाई कोई बात नहीं, मैं तो एमएलए बन के बैठ जाऊंगी, तो कोई लड़ाई नहीं है, समझ रहे हो? फिर तो बड़ा राज्य हो गए सारे भाई। एक और दुनिया के कितने नीचे लगी हुई है, अगली एक डीए भी आ गई मेरे नीचे, समझ रहे हो ना? तो ये नाम नहीं ले रही मैं, पर तुम मेरे से ज्यादा सारे समझदार हो, कूट कूट के भरी हुई राजनीति थारे भीतर, सारे एक एक चीज तुमने बेरा है के हो रहा है और के नहीं हो रहा, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो चीज है इसके अंदर एकजुटता करके रहना है हमने, एकजुटता अगर रहेगी तो भैया आगे हम बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो अब जो है एक दूसरे की नुक्ताचीनी, ये वो आलतू फालतू, ये चीज़ें जो हैं छोड़ दो, क्योंकि ये लड़ाई केवल और केवल आप लोगों के लिए, अपने हलके के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे नौजवानों की नौकरियों के लिए, हमारे इलाके की, और जिस तरह से मैंने विकास करवाया था उससे 10 गुना और विकास करवाने, 10 साल में देख लिया क्या हो रहा है। मैं जहाँ भी हूँ आज मैं विपक्ष में हूँ, सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती हूँ, सरकार भी मानती है मेरे को इस बात को, तो ये इसलिए क्योंकि आप जानते हो बेबाक से हम काम करते हैं, किसी का लोभ लालच नहीं है, डरे हुए नहीं है। यहाँ पे और भी है हमारे ये गोलागढ़ के, दुर्भाग्य की बात है जो द्वारपाल बनकर बैठते हैं, खाली ये सोचा अपना भर लो, अपना कर लो, और उसका नतीजा लोगों ने उनको दिखा दिया है। सही बात है या नहीं आप बताओ? नहीं तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम ऊपर करना था, सारे मिलकर काम करते तो आज ये हालात होने थे? नहीं होने थे। ये तो घर के अंदर जब किसी को दुश्मन को मारना होता है तो उसके घर के अंदर पहले जो है उसका जो है कार्रवाई करनी शुरू होती है, ऐसे ही होता है ना? तो ये यहाँ पर इस तरह के लोग जो खाली अपना लोभ लालच के लिए, जो खुद जिनके अंदर क्षमता नहीं है, समझ रहे हो? क्षमता नहीं है, अगर क्षमता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, किरण चौधरी पीछे हो जाती है, मेरे को क्या पड़ी है, मेरी उम्र होगी अपने आराम से बैठू घर में, मरने की जरूरत है भाई दर्दर की ठोकर खान की? बताओ भाई सही बात है या नहीं? मैं क्यों लड़ाई लड़ रही हूँ? मैं केवल इसलिए लड़ाई लड़ रही हूँ कि हमारे बच्चों को जो हमारे महरूम रह गए, हमारी नौकरियां जो हमारे को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसलिए मेरी लड़ाई थी। ये जो मैंने काम करवाया ये भी लड़ लड़ के करवाया। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि एमएलए जब मैं हूँ तो मैं तो शाम का हूँ, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो मैं पूरे हरियाणा का, समस्त हरियाणा का मुख्यमंत्री। और उन्होंने कोई दो भाग कोई ये नहीं करा, जाति पाति की बात नहीं करी, कोई जो है उन्होंने क्षेत्रवाद नहीं करा, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हुआ या नहीं हुआ हमारे साथ? बताओ हुआ या नहीं हुआ? ये सारी चीजें आप लोग एक एक चीज जानते हो, और मेरे क्या कोई निजी काम थोड़ना है, निजी कोई लड़ाई नहीं है किसी से मेरी, मेरी लड़ाई केवल आप लोगों के लिए है कि मैं आपके काम धंधे चला सकूं, घर के अंदर जो है छोरे बैठ गए हैं उनको आगे बढ़ा सकूं, वो तभी होगा ना जब हाथ में मजबूती आएगी, नहीं तो कौन आओ भाई। और मैं अगर लड़ू ना तो ये सारे के सारा जो है सौदा जो है वैसे ही बिकाऊ माल है, ये बिकाऊ माल हो रहा है सारा, क्योंकि ये लड़ाई मैं लड़ती इसलिए हूँ क्योंकि किसी का लेके नहीं खाया, एक ढेला नहीं लिया है किसी का, चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर धब्बा लगने नहीं दिया कभी भी, नहीं लगने दिया। सही बात है या नहीं बताओ? तो भैया जब ये ऐसी बात हो तो मेरी मजबूती तो तुम हो, मेरे हाथ पांव तो तुम लोग हो, तुम लोग अगर कहोगे कि भाई किरण चौधरी लड़ाई मत लड़, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, मैं बैठ जाऊंगी। अगर ये कहोगे कि नहीं बहन जी तू लड़, हम तेरे साथ हैं, चाहे तू कुछ भी जो भी तेरी सोच हो वो तू कर, तो भाई मैं लड़ाई लड़ूंगी, साथ है दीदी, किरण चौधरी आगे बढ़ो, किरण चौधरी आगे बढ़ो। विधानसभा के अंदर कोई बात होती है, कोई आवाज उठानी होती है तो तुम्हारी कौन उठाता है? कोई और यहाँ पे बोल के देता है किसी के खिलाफ? ये सारा मिला जुला सौदा है सबका, समझ रहे हो? तो ये जो स्वच्छ जो राजनीति जो प्रदूषित कर दी है इन लोगों ने, सच्चाई है ये,
चौधरी बंसीलाल जी, मैंने यहाँ पे भी ये कहा था, गुड़गांव में बताई थी ये बात, कहा करते थे राजनीति में जो आदमी आए वो ये सोच के आए कि भाई सेवा भाव उसको करना है, ये ना सोच के आए कि मेरे घर में कितना मैं भर लूंगा और मैं क्या कर लूंगा और क्या नहीं करूंगा। जो आजकल के कितने जो हो रहा है नेताओं के अंदर, कोई एक उंगल नहीं उठा सकता मेरे ऊपर, तो इसलिए ये पूरे हरियाणा में अब निकल रही हूँ मैं, यही केवल दिखाने के लिए कि चौधरी बंसी लाल जी और सुरेंद्र सिंह जी के शुभचिंतक, उनको जाने वाले हरियाणा के कोने कोने के अंदर है, और आप देख रहे हो किस तरह का समर्थन मिल रहा है। हाँ, तुम लोग आके निकला करो, जब तुम्हारे को मालूम चलेगा बाहर क्या हाल है। पर यहाँ जो सिलसिला है वो शुरू यहाँ से होता है और यहाँ पे ही अंत होगा। जिस दिन आपने अंत कर दिया, मैं अपने घर में आराम से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लड़ाई लड़नी है, आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है, आपके इलाके के लिए लड़नी है, तुम्हारे व्यवसाय के लिए लड़नी है, तुम्हारे विकास के लिए लड़नी है, तो भाई फिर यूं सोच लो, कांड बांध लो, कोई उल्टी बात बकवास करे मेरे बारे में उसके झापड़ मारा करो। किरण चौधरी आगे बढ़ो, किरण चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आके पोस्टर ला देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, पूछो इनते इनके औकात क्या है, पोस्टर तो नहीं, समझ रहे हो ना। हर तरीके से जो चीज है, आप लोग ये बात को मान के चला करो। अगर तो आप इस तरह से आगे चलोगे, क्योंकि मैं लड़ाई के मूड में हूँ और साथ दोगे तो भाई लड़ेंगे। और आपका क्षितिजा बिल्कुल, किसी लड़ाई लड़ो। आज जो है चौधरी बंसीलाल जी चले गए, सुरेंद्र सिंह जी चले गए, आज जो है जहाँ मैं खड़ी हूँ कांग्रेस के अंदर समर्पित सिपाही की तरह खड़ी हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हाल हो रहे हैं। हम तो साथ इसलिए हो रहे हैं, खाली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही एक है जो आंख दिखा के लड़ाई लड़ सकती है। ये बात विरोधी चर्चा करें, बोले रोते गाड़ी जय कुन बोले ये दिल्ली मैडम, क्यों बोलूं भाई मैं जय ना बोलियो जी की सभी को जय अपनी तुषाम की जय बोल ले, बोलती ना भाई तुषाम बाड़ो तारी तो फिर ना कट गई तुषाम की। हाँ जी, अपना नाम मैं इतना बड़ा जी जहाँ खड़े हो गए किस विधि में तक आले आप ही जय बोलने एक सवाल आपका मैं बोलने पत्रा जी का धन्यवाद, बड़े भाई हैं सुरेंद्र सिंह जी के साथ पढ़े ले हैं, आपसे भी बुलवाऊंगी। हाँ, पर मेरा कहने का खाली ये मकसद तात्पर्य है कि एक तो कोई अफवाहों में मत जाया करो, जो भी मैं करूंगी या नहीं करूंगी या जो भी होगा पहले आपसे सलाह मशवरा होगा, समझ गए। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, फला हो रहा है, दिखड़ा हो रहा है, इन चक्रों में मत रहो, क्योंकि अब मैं जब लड़ाई निकलने लड़ने निकलता है तो सारी दुनिया पड़ती है भाई उसको नीचे उतारने में, समझ गए ना। हाँ, तो वो है सारा, वही कहानी बन रही है। और मैं अगर आराम से बैठ जाऊं तो भैया फिर तो मेरे संख्या कोई है ही नहीं, बाकी जो आपके बाकी MLA हैं कोई कोई चो नहीं कर सकता, क्योंकि सारा जो है अपना अपने हिसाब से चलते हैं बेचारे, अब हमारा वो तो नहीं रह गया ना। तो जिसका जितना विरोध होगा उतना चढ़ेगा, जो विरोध जब होता है, जिसका विरोध बिल्कुल सही कहा, शक्ति का विरोध उसी का होता है जिसमें कोई दम होता है, विरोध अगर विरोध नहीं होगा तो नहीं, सोच लो थारा नेता खुश, सच्ची बात है ये। तो अपना जो है और ये जो अच्छी चर्चा है, जो कह रहा है कोई कुछ कहता है, ओछी ओछी बातें करता है तो वो उसी के गले में पड़ जाता है सांप की तरह, है ना सारा। तो ये आप लोगों ने रात रात में आप लोगों ने इन चीजों के अंदर अपना, आप लोग आराम से ये सोच के चलो भाई, इस शरीर में जब तक तुम मन आड़े लाके फूकोगे नहीं ना, जब ताई मैं धारी लड़ाई लड़ूंगी। ये देखो देख लिया की देन है आपकी, नहीं तो
बिल्कुल तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम लोग बिल्कुल विचलित मत होना। मेरा आज आने का मकसद, हालांकि मैं इतनी जोर जोर से बोली हूँ, जाके चार दिन मैं धैर्य से पढ़ूंगी। बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरे बुखार चढ़ा हुआ है अभी भी, फिर भी मैं आई हूँ। मैंने कहा आज जाना जरूरी है। ये थोड़ा सा हो गया है मेरे, हो रहा है, विचलित नहीं होना बिल्कुल भी किसी की तरह से। आप लोग हमारे अपने लोग हो, और ये सोचना जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ ये आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ। भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत है भाई। अब मेरी उम्र ये है कि जो मैं वापस दे सकूं वो देने खातर आई हूं मैं, बस, और कोई सौदा नहीं। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, किरण चौधरी आ गया बेटा, हमारे साथ है। किरण चौधरी आ गया बेटा, हमारे साथ है। आप जानते हो, देखो आज मैं बहन जी के साथ आया। ओ, जयपाल जी भी मैं और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी इकट्ठे पढ़ा करते थे लॉ में, और आज की राजनीति में चौधरी सुरेंद्र सिंह जैसा नेता पूरे हरियाणा छोड़ो देश में नहीं है। उनका संघर्ष, उनका अपने आदमियों के लिए लड़ना और अपने इलाके के लिए लड़ाई लड़ना, और जिस तरह से स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी का एक सारथी बनके चौधरी सुरेंद्र सिंह ने काम किया, वो इस देश में कोई नहीं कर सकता। एक पहला बेटा, और भाई मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना कहना चाहता हूँ, कदे कदे रोहतक की भी जय बोल दिया करो, मैं रोहतक वाले भी आपके धोरे में। सुनो मैं रहा, बहन जी को तो इस पार्लियामेंट्री हलके में तुम इनको तो मजबूती के साथ इनका साथ दे दो, और पूरे हरियाणा में मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये पंकज पूनिया मेरे साथ खड़े हैं, ये मान साहब, ये कहाँ, ये करनाल से आए हुए हैं, और एक एक इलाके के अंदर हरियाणा विकास पार्टी के चौधरी बंसी लाल जी के फैन, और इतना भारी लोगों में जन समूह है, इतना भारी प्रेम और प्यार है। आप आड़े संभाले रखियो, हरियाणा में आपको नंबर वन में अगर ये नजर ना आए तो हमने कह दिया। भाई आज मैं तो चौधरी सुरेंद्र सिंह को फूल अर्पित करके अपने आप को धन मानता हूँ। वो हम ला में पढ़ा करते थे, और सामने स्टेडियम था, क्रिकेट के वो टॉप के खिलाड़ी थे, या जब मैं भिवानी आया करता नकई साहब एसपी थे और वर्मा साहब डीसी थे, लॉन्ग टेनिस खेला करते, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर ऊपर कम एंटर करते थे बाहर, पहले दोस्तों को, मित्रों को, लोगों को उनकी समस्याएं सुना कर। वैसा लीडर और वैसा डायनेमिक, स्वर्गों में भी वो बैठ के वो देख रहे होंगे कि आज उनकी जड़ें जो है ना इतनी मजबूत हैं कि आप उनके नाम से खड़े हो जाते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन पेश करता हूं, और बहन जी को आपके समक्ष ये भी दावा करता हूं कि आने वाला टाइम, ये तो झांसी की रानी है, मैंने तो इनका नाम झांसी की रानी रखा, ये किसी काबू के नहीं, और ये तो मतलब के बड़े बड़े डरे हैं इनते। आप बड़ा डरे इस दिन से जी। तो पीछे मैं कहूँ इनका, इनके नाम की दहशत विधानसभा में भी, आपने कंवर पाल गुर्जर की वो स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि वो मूर्ख है जो ये कहता है कि बहन किरण चौधरी की हैसियत क्या है। जो सीएलपी का लीडर है 5 साल, जिसमें आज चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, उस पे विराजमान रही हो, उसी को सीएलपी का लीडर बनाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ नेता हो और मजबूत नेता हो।
बोला वो आदमी ये कहता है कि उनकी हैसियत क्या है जो 40 साल पहले दिल्ली विधानसभा की अध्यक्ष रही हो, जो 5 बार MLA रही हो, जो 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रही हो, दिल्ली में थोड़ी 24 घंटे में महकमा बदला था, 24 घंटे में वापस उल्टा आया, 24 घंटे में बयान दिया था हैसियत का और 24 घंटे में बयान उल्टा आया कि नहीं आया कि नहीं बदल गया ना। तो भाई मैं भी इनसे डरू हूँ, सुनो मेरे से भूपेंद्र डरे है, मैं इनसे तो नारे ला दो चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल अमर रहे और किरण चौधरी जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, नहन किरण चौधरी जिंदाबाद। ये हमारे जयपाल मान जी हैं। सुखदा के साल 30 साल रहा भाई, जब रहा जब वो साधारण व्यक्ति था, MP नहीं था, चीफ मिनिस्टर में बनाने का योगदान रहा, सरकार में उसको छोड़ दिया, गाड़ी बंगला सब कुछ, बहन जी ने 5 साल में मेहनत में, पंकज पुनिया ने मैं तोड़ा भाई आज तक टूटा नहीं, घर बैठ गया, बोली भाई जयपाल ना दे दो, बहन जी से वादा किया, सबसे पहली मीटिंग 2000 कार्यकर्ताओं की थी, अब दोबारा बहन जी गई, 15,000 कार्यकर्ता था, उसी से तकलीफ होकर बहन जी को रोकना चाहते हैं। भाई एक रिक्वेस्ट है, उत्तरी हरियाणा में अगर किसी नेता से भीड़ कम रहेगी राजनीति छोड़ देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। अगर सुरेंद्र सिंह का साथ होता तो हमारा एक कमिश्नर मिला था, हमने वो सुरेंद्र सिंह ने लुवाया छंतर में, वो बोले जी मैं इंस्पेक्टर था, मैंने बहन जी तो मिलाया, वो कमिश्नर बनकर रिटायर है, मेरे घर के दौरा है, अब मैं अनपढ़ हूँ, अगर मैं सुरेंद्र का वर्कर होता, अनपढ़ पढ़ कमिश्नर होता भाई, ऊपर से बना देंगे।